एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने एक्टिंग और अपने डांस के दम पर हिंदी सिनेमा में कई दशक तक राज किया। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हीमैन यानी धर्मेंद्र के डूबते हुए नैया को बचाया। जी हाँ, बात कर रहे हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम का। कुमकुम वो अभिनेत्री है जिन्होंने अपने डांस और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड पर कई दशक तक राज किया, लेकिन फिर भी इन्हें एक ग्रेट अभिनेत्री का पहचान नहीं मिला। आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में संपूर्ण कहानी जानेंगे, तो फिर देर क्या, चलिए बिना कास्टिंग का ही फिल्म शुरू करते हैं। अभिनेत्री कुमकुम का जन्म 22 अप्रैल 1934 को बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम जुबिनिशा रखा था। इनके पिता सैयद मंजूर हसन हुसैनाबाद के बड़े जमींदार थे। उन्होंने नवाब की पदवी प्राप्त थी। इलाके में उनका बड़ा रुतबा था। बेतहाश प्रॉपर्टी उनके पास थी, लेकिन अपने देश आज़ादी या यूँ कह लीजिए जब अपने देश को आज़ादी मिला था, इसके बाद सरकार ने इनकी जिम्मेदारी अभिनेत्री कुमकुम के पिता का जिम्मेदारी ख़त्म कर दिया। उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई तो सैयद मंजूर हसन अपनी पत्नी खुर्शीदा बनो और अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता तो गए, लेकिन वह उनका जरा भी दिल नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ उन्होंने अपने पहले परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर लिया और फिर एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान चली गया। खैर, बताया जाता है अभिनेत्री कुमकुम की माँ खुर्शीदा बनू अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गई और यहीं पर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी। और इस तरह बनारस में कुमकुम के फिल्म इंडस्ट्री में जाने की कहानी तैयार होता है। बताया जाता है कुमकुम को छोटी सी उम्र से ही नाचने गाने का बड़ा शौक था और फिल्म देखने में भी उन्हें खूब मजा आता था। बनारस में उनकी माँ खुर्शीदा बेगम की जान पहचान पंडित शंभू महाराज से हो गया, जो कि उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे। खुर्शीदा बेगम ने कुमकुम को शंभू महाराज के पास नृत्य यानी डांस सीखने को भेज दिया। और ये सोचकर कि एक दिन अभिनेत्री कुमकुम या यूँ कह लीजिए उनकी बड़ी बेटी बड़ी होकर फिल्मों में काम करेगी। शंभू महाराज की एक बेटी थी जिनका नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी और कुमकुम की उम्र बराबर था, इसलिए शंभू महाराज कुमकुम को भी अपनी बेटी ही मानते थे। और बताया जाता है निर्मला देवी अभिनेता गोविंदा की माँ थी, तो इस नाते से कुमकुम गोविंदा की मौसी लगती थी। खैर, जानते हैं कुमकुम की फिल्मी कहानी, कैसे इनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। शास्त्रीय नृत्य की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अभिनेत्री कुमकुम माया नगरी बम्बई चली गई। फिल्मों में सबसे पहले उन्हें काम मिला महान सोहरबा मोदी साहेब ने फिल्म थी मिर्जा गालिबा, जो कि साल 1954 में रिलीज हुआ था। लेकिन इस फिल्म में वो एक छोटे से किरदार में नजर आई थी। किसी ने उस फिल्म में कुमकुम को नोटिस तक नहीं किया, पहचाना तक भी नहीं। हालांकि इसी साल उनका एक और फिल्म आया गुरुदत्त के साहेब। फिल्म आर पार ने कुमकुम के सारे देश में लोकप्रिय कर दिया। इस फिल्म में कभी आर कभी पार गीत कुमकुम पर ही पिक्चराइज किया गया था और ये गीत हर किसी को बेहद पसंद आ गया। हालांकि कुमकुम को गुरुदत्त साहेब की फिल्म आर पार मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प रहा। दरअसल गुरुदत्त साहेब पहले एक गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका मूड बदल गया और उन्होंने किसी अभिनेत्री यानी लेडीज एक्टर्स पर वो गीत फिल्माने के मूड में आ गए। और बताया जाता है गुरुदत्त साहब ने उस जमाने की कई अभिनेत्रियों से इस गीत में काम करने के लिए कहा, लेकिन ये रोल बहुत छोटा था और इसके लिए उस दौर के अभिनेत्री कई सारे फेमस अभिनेत्री माना कर दिया। लेकिन काम कभी छोटा नहीं होता, काम कोई भी छोटी काम आपको किस्मत को चमका सकता है। ठीक उसी तरह अभिनेत्री कुमकुम इस छोटी सी रोल को करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने
कुमकुम को इस रोल को निभाने की पेशकश की। कुमकुम ने गुरुदत्त साहब की यह पेशकश स्वीकार कर ली और इस तरह कुमकुम के करियर में गीत मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद तो कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, कई स्टार के साथ इनकी जोड़ी जमी। धर्म जी के साथ इन्होंने रोमांस किया और जॉनी वॉकर के साथ इन्होंने कॉमेडी की। CID फिल्म का गीत ए है बॉम्बे मेरी जान में जॉनी वॉकर के साथ जो महिला दिखाई गई थी वो अभिनेत्री कुमकुम ही थी। यही नहीं, अभिनेत्री कुमकुम बॉलीवुड के महान सिंगर किशोर कुमार साहब के साथ भी खूब तहलका मचाए। अभिनेत्री कुमकुम एक निपुण कथक डांसर थी। उनकी कला के जोहर अक्सर उनकी फिल्मों में उन पर फिल्माए जाने वाले गानों में नजर ही आ ही जाती थी। महान अभिनेता किशोर कुमार साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी थी और इन्होंने किशोर कुमार साहब के साथ कई फिल्मों में काम भी किया। किशोर दा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब क़यामत होगी कौन भूल सकता, वो गीत कुमकुम पर भी फिल्माया गया था। किशोर दा के साथ तो इनके और भी कई गाने सुपरहिट रहे थे और उस जमाने में मीडिया में ये भी खबर चलने लगा कि अभिनेत्री कुमकुम और किशोर कुमार साहब के बीच खिचड़ी पकने लगा है। यही नहीं, रामानंद सागर को लेकर भी अभिनेत्री कुमकुम और रामानंद सागर के बातें चलने लगे कि इनके बीच भी अफेयर चलने लगा है। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेत्री कुमकुम ही वो एक पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ है उस फिल्म की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने उस फिल्म में काम किया था। बताया जाता है महबूब खान की मदर इंडिया में अभिनेत्री कुमकुम बड़ा खूबसूरत सा रोल निभाया था। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब साहब इतने मुतसर हो गए कि उन्होंने कुमकुम को अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी एक बड़े अहम रोल मिल गया। केवल हिंदी नहीं, कुमकुम ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया था। गंगा मैया तो है प्यारी चढ़े वो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म थी और यही फिल्म भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म बनी थी। साल 2006 में कुमकुम ही पहली भोजपुरी सिनेमा मैगजीन का उद्घाटन किया था। उस वक्त ये काफ़ी चर्चाओं में भी आ गई थी। वैसे अभिनेत्री कुमकुम की कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो कुमकुम ने अपने फिल्मी करियर में लमसम 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो मिस्टर एंड मिसेज, बचपन, कुंदन, फंटूश, नया अंदाज, मैम साहेब, नया दौड़, प्यासा, वारिस, घर संसार, उजाला, ऐसे कई सारे फिल्में हैं जो इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में गिना जाता है। वही इनकी कुछ निजी ज़िंदगी की बात करें तो कुमकुम की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने सन 1975 में लखनऊ के रहने वाले बिजनेसमैन सज्जाद अकबर खान से शादी कर लिए थे और सज्जाद अकबर खान का बिजनेस सऊदी अरब में था। तो शादी के कुछ ही महीने बाद ये उनके साथ सऊदी अरब चली गई और वहीं पर रहने लगी। सज्जाद अकबर खान और कुमकुम की एक बेटी है जिनका नाम अंदलीब अकबर खान है। अभिनेत्री अबीर अबरार इनकी भतीजी है और इनके छोटे भाई है जाहिद अबरार की बेटी है और जाहिद अबरार दुनिया भर में मशहूर फ्रेडी मैक्रू के साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं। खैर, कुमकुम के कुछ आखिरी दिनों की बात करें तो सऊदी में लगभग 20 साल गुजारने के बाद 1995 में कुमकुम अपने देश भारत आई थी और यहीं पर अपनी बेटी और पति के साथ रहने भी लगी थी। 28 जुलाई 2020 को 84 साल की उम्र में अभिनेत्री कुमकुम इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। बताया जाता है उनकी मौत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में 100 की लहर दर उठा था और न केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि उनके लाखों फैंस भी उनकी मौत की खबर से स्तंभ और दुखी हो गए थे। खैर, आज भी लोग कहते हैं कि बिहार से अभिनेत्री बॉलीवुड में बिहार की अभिनेत्री को लोग कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। अरे भैया, तो टिकटॉकिया स्टार और अश्लीलता फैला के जाइएगा तो आपको थोड़े ना बॉलीवुड में आपको तगमा देगा अभिनेत्री का। अगर आप मेहनत करके एक्टिंग सीख के डांस सीखे जाइएगा तो आपको ज़रूर पहचान मिलेगा। अभिनेत्री कुमकुम बिहार की ही थी और इन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड को हिला दिया ना। खैर, आपको क्या कहना है, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभिनेत्री कुमकुम के बारे में बायोग्राफी ऑफ कुमकुम कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। खैर, आपको
जानकर हैरानी होगी, आखिरी में चलते चलते एक और बात याद हो गया कि जब कुमकुम मरी थी तो धर्म जी भी उदास हो गए थे। धर्मेंद्र ने कहा था, धर्म जी इंस्टाग्राम के माध्यम से पोस्ट किए थे कि मेरी पहली दिल की रानी, मेरी पहली हीरोइन इस दुनिया को नहीं रही। उन्होंने लिखा था, दिल भी तेरा हम भी तेरे, और ये बात कुमकुम को पसंद नहीं आई और इसलिए हम उनके नहीं हो पाए। खैर, आपको धर्म जी और अभिनेत्री कुमकुम या बॉलीवुड के कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में इसी तरह कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में घंटा बजा दीजिएगा।